हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ठोस आकारों का चित्रण। क्या टॉपिक चल रहा है? ठोस आकारों का चित्रण। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में। तो फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में हम क्या देखेंगे? फलक, जिसे हम क्या कहते हैं? फेस। क्या कहते हैं? फेस। किनारे, जिसे हम कहते हैं? एजेस। और हमारा क्या होता है? शीर्ष। शीर्ष को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो देखो, फलक, किनारे और शीर्ष को देखिए। यहाँ क्या है? ये हमारा है, देखो, हम बनाते हैं घन। ये घन हमने यहाँ पर बनाया। अब घन में देखो, ये जो होता है ना, ये क्या है इसके? ये है हमारा शीर्ष। क्या है? शीर्ष, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। अब ये हमारे क्या है इसके? ये या ये पूरे पूरे जो है, या ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, जो मैंने अब इनको आउटलाइन करा है। ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये एंड ये एंड ये हमारे क्या है इसके? किनारे। क्या है इसके? किनारे। किनारे जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं एजेस। और ये क्या है? ये जो जैसे ये पार्ट दे रखा है हमें, ये अगर ये पूरा पूरा ड्रॉ कर दे, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है फलक। क्या है? फलक। फलक क्या होता है हमारा? फेस। क्या होता है हमारा फलक? फेस। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें कि इसमें कितने फलक हैं और कितने शीर्ष हैं, तो देखो काउंट करो, 1 2, यहाँ लिखो शीर्ष पहले, फिर पता चलेगा कितने कितने हैं। फिर यहाँ लिखो फलक, फिर यहाँ लिखो किनारा। देखो शीर्ष काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो हमारे हैं शीर्ष। अब फलक की बात करते हैं, तो देखो फलक कैसे काउंट करोगे? 1 2 नीचे वाला होगा एक, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। 6 हमारे क्या हैं? 6 हमारे हैं फेसेस। कैसे? एक हो गया ऊपर का, एक हो गया नीचे का, 2, एक इधर का, 3, एक इधर का, 4। ठीक है, 4 तो हमारे यही हो गए। और हमारे क्या हो जाएंगे? देखो, एक है हमारा फ्रंट का, 1 2 3 और 4, फिर 5 और 6, 6 होते हैं फलक। और किनारे की बात करें हम, तो 1 2 3 4, 4 ही हो गए, 4 ही नीचे के हो गए, 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12, 12 हमारे हो गए ये किनारे। अब देखो इसकी बात करें, तो इसमें भी सेम ऐसे ही बैठेगा। अब ये क्या है? इसमें मेरे क्या शीर्ष है, क्या किनारे है? देखो ये तो है हमारा शीर्ष। क्या ही है हमारा? शीर्ष। ये क्या है हमारे? ये हमारे हैं किनारे। ये भी हमारा शीर्ष है, ये भी हमारा शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये है हमारे किनारे। और ये जो बीच वाला है, ये हमारा है फलक। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये हमारा क्या है? शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष है। ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं किनारे। क्या है ये? किनारे। और ये जो फेसेस दे रखे हैं, ये हमारे ये हमारा फलक। ऐसे ही इसमें हम देखेंगे, इसमें देखो ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये भी और ये भी। और यहाँ देखें तो ये दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, ये हमारे शीर्ष है। बाकी ये क्या है सारे? ये हमारे हैं किनारे। क्या दे रखे हैं? किनारे। और ये जो है सामने के फेसेस जो है, ये हमारे फलक। ऐसे हम इसमें बात करेंगे, ये भी हमारे शीर्ष और किनारे इसी तरीके से इसमें भी हमारे हो जाएंगे। अब देखो, उपयुक्त ठोसों में से प्रत्येक ठोस बहुभुजीय पॉलीगन रीजन से मिलकर बना है, जो उसके फलक कहलाते हैं। ये फलक किनारों और कोरों से मिलते हैं, किनारों और कोरों से मिलते हैं, जो रेखाखंड हैं। और ये यानी कि फेसेस हैं, किनारे और कोर यानी कि एजेस हैं। ये किनारे शीर्ष से मिलते हैं, जो बिंदु हैं। ऐसे ठोसों को बहुफलक या बहुफलकी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? पॉलीहेड्रा क्यों कहते हैं इसको? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे फलक होते हैं, बहुत सारे फेसेस होते हैं। देखो इसमें भी कई सारे फेसेस हैं, इसमें भी, दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो, इसमें भी और इसमें भी। ये बहुफलक नहीं है, सॉरी, ये बहुफलक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसमें एक ही फेज आ रहा है कहीं ना कहीं घूम के, इसमें भी और इसमें भी, है ना। पर इसमें क्या है? इसमें बहुत सारे फेसेस हैं, ये बहुफलक हैं, ये बहुफलक हमारे नहीं है। अब देखो, बहुफलक उन ठोसों से किस प्रकार भिन्न है जो बहुफलक नहीं है? अभी कह रहे हैं कि बहुफलक जो हैं और जो बहुफलक नहीं हैं,
इनमें क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है इनमें, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। अब देखो वक्प्रस्ट, ये वक्प्रस्ट है, वक्प्रस्ट और ये क्या है, मतलब गोला, गोले का क्या है, ये जो सामने का भाग है इसे हम कहते हैं वक्प्रस्ट, ठीक है। अब देखो ये पार्श्वप्रस्ट है, पीछे का भाग, ये शंकु है हमारा, ये है इसका आधार। फिर यहाँ देखो ये क्या है, पार्श्वप्रस्ट, फिर यहाँ क्या है, आधार, ये आधार, ये हमारा क्या है, बेलन, ठीक है। अब देखो उत्तर बहुफलक, उत्तर क्या है, बहुफलक। आपको उत्तल बहुभुज की अवधारणा के बारे में याद होगा, यानी कि कॉन्वेक्स की, उत्तल बहुफलक की अवधारणा भी उसी प्रकार है। कैसे, ये उत्तल बहुफलक है, ये भी उत्तल बहुफलक है, ये क्या है, ये उत्तल बहुफलक नहीं है और ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो है कॉन्वेक्स कहीं ना कहीं बेस हमारा आ रहा है एक प्रॉपर वे में, इसमें भी आ रहा है इसमें, और इसमें हमारा बेस प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है, तो हमारा उत्तल बहुफलक नहीं है। हम देखेंगे अब समबाहु फलक के बारे में, ठीक है, फिर हम पिरामिड के बारे में देखेंगे। तो देखो अब समबाहु फलक क्या है हमारा, समबाहु फलक क्या है, सम माने समान। अब देखो एक बहुफलक तब समबाहु फलक कहलाता है जब उसके सभी फलक सर्वांग सम, यानी कि सम सॉरी बहुभुजों से बने हैं, तथा प्रत्येक शीर्ष पर मिलने वाले फलकों की संख्या समान हो। तो देखो ये हमें दे रखा है और ये हमें दे रखा है, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, यह एक सम बहुफलक है, इसमें सभी फलक क्या है, सर्वांगसम और समबहुभुज हैं, सर्वांगसम और समबहुभुज हैं, फलकों की समान संख्याओं से शीर्ष बनते हैं, फलकों की अगर समान संख्या है तो उनसे क्या बनते हैं, शीर्ष बनते हैं। अब देखो यह एक समबहुफलक नहीं है, सभी फलक सर्वांगसम नहीं है, सही फलक क्या है, सर्वांगसम नहीं है, यानी कि सब सेम नहीं है ना, परंतु शीर्ष फलकों की समान संख्याओं में नहीं बनते। ए पर तीन फलक मिलते हैं, ए पर देखो कितने फलक मिल रहे हैं, 1, 2, 3 फलक ए पे मिल रहे हैं, परंतु बी पर चार फलक मिल रहे हैं, कैसे, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 फलक इस पे मिल रहे हैं। ए पर कितने मिल रहे हैं, ए पर मिल रहे हैं 3 और बी पर कितने मिल रहे हैं, 4। जब दोनों पर हमारे अलग अलग बहुफलक मिल रहे हैं, अलग अलग है ना दोनों पे हमारे, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या नहीं है हमारे, ये हमारे सर्वांग सम हमारे नहीं है, ठीक है, ये हमारे सर्वांग सम है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुफलक परिवार यानी कि कुल या फैमिली में मिलने वाले दो महत्वपूर्ण सदस्य प्रिज्म और पिरामिड हैं, ठीक है। अब कैसे हैं प्रिज्म और पिरामिड, तो देखो ये है प्रिज्म और ये है पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस क्या है, देखो प्रिज्म जो होते हैं वो हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं, चौकोर आकार में होते हैं कुछ, और जो पिरामिड होते हैं उनमें ये होता है कि उनका शीर्ष जो होता है पूरा एक मिलता है यहाँ पर, यानी कि एक कॉमन शीर्ष यहाँ पर मिलता है। अब देखो यहाँ कहते हैं कि हम कहते हैं बहुफलक प्रिज्म होता है, बहुफलक, बहुफलक मतलब जिसमें अलग अलग भुजाएं होती हैं, जब कि जब उसका आधार जो होता है वो हमारा क्या होता है, ठीक है, उसका आधार और बेस ऊपरी सिरा जो होता है सर्वांगसम चतुर्भुज हो, बहुभुज हो, सर्वांगसम क्या हो, बहुभुज हो, तथा उसके अन्य फलक और पार्श्व फलक समांतर चतुर्भुज के आकार के हों। अभी कह रहे हैं कि जो उसका आधार है, बेस उसका आधार है और ऊपरी सिरा है वो सर्वांगसम बहुभुज हो और उसके अन्य फलक अर्थात पार्श्व फलक समांतर चतुर्भुज के आकार के हों, तो ये सब इसमें हमें बताया गया है। अब देखो हम बात करते हैं इसके दूसरी ओर, एक पिरामिड वह बहुफलक होता है। अब देखो यहाँ देखो पिरामिड क्या होता है, पिरामिड की अगर हम बात करें तो पिरामिड हमारा क्या होता है, पिरामिड होता है हमारा बहुफलक, क्या होता है, बहुफलक। और जो हमारा प्रिज्म होता है, प्रिज्म, प्रिज्म हमारा क्या होता है, प्रिज्म हमारा जो होता है वो हमारा बहुफलक नहीं होता है, एक बहुफलक प्रिज्म होता है उसका आधार ऊपरी सिरा ही होता है, और जो हमारा एक पिरामिड है चतुर्भुज के आकार के होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ हम कह रहे हैं जिसका आधार कितनी भी भुजाओं का एक बहुभुज होता है और इसके पार्श्व फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं, यदि आप एक बहुभुज के सभी कोनों और शीर्षों को एक ऐसे बिंदु पर मिलाते, यानी कि किसी बहुभुज के सभी कोनों और सभी कोनों को आप किसी एक शीर्ष बिंदु पर मिला दें तो जो उसके तल में न हो तो उसको पिरामिड का एक मॉडल प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बात आती है एक प्रिज्म की,
एक प्रिज्म या पिरामिड को उसके आधार के अनुसार नामांकित किया जाता है। इस प्रकार एक षटीय षटभुजीय षटबहुभुज क्या होता है? षटबहुभुज देखो, अगर मैं षटबहुभुज बनाऊं, 1 2 3, 3 के बाद क्या है? 4 4, यहाँ पे क्या आएगा? 5, ये हो गया हमारा 6। इसको और अच्छे से हम बना सकते हैं, देखो यहाँ मैं बना के आपको दिखाती हूँ। 1 2 3, फिर क्या है? 4, फिर 5, फिर 6, ये हमारा षटबहुभुज है। अगर हम अष्टबहुभुज की बात करें तो हम कैसे करेंगे? देखो 1 2 3 4 5, फिर क्या है? 6, फिर क्या है? 7, फिर क्या है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा 8 टाइप्स का, ये हो गया हमारा 6 टाइप का। तो प्रिज्म का आधार एक षटबहुभुज है, तो हम क्या कैसे बनाएंगे इसमें? देखो कुछ इस तरीके से हम यहाँ लेंगे, ये ले लिया हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये हम इस तरीके से यहाँ पर लेंगे, ये हो गया इसका मिड पॉइंट। अब हम बात करते हैं, क्या एक त्रिभुजाकार पिरामिड का आधार एक त्रिभुज होता है? ठीक है, क्या एक त्रिभुजाकार पिरामिड का आधार त्रिभुज होता है? तब एक आयताकार प्रिज्म क्या है? एक वर्ग पिरामिड क्या है? स्पष्ट है इनके आधार आयत और वर्ग होंगे। अब देखो आयताकार प्रिज्म है तो उसका आकार, उसका आधार कैसा होगा? उसका बेस भी आयत होगा। और अगर एक वर्गाकार है तो उसका बेस भी क्या होगा? उसका बेस भी होगा हमारा वर्ग। क्या होगा उसका बेस? वर्ग होगा। और इसका बेस कैसा होगा? इसका बेस हमारा होगा आयताकार। कैसा होगा बेस? आयताकार। तो इसमें सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इसमें हमारे आसपास बहुफलक परिवार से मिलने वाले दो महत्वपूर्ण सदस्य प्रिज्म और पिरामिड हैं। प्रिज्म होते हैं और पिरामिड होते हैं। हम कह सकते हैं कि एक बहुफलक प्रिज्म होता है जब उसका आधार और ऊपरी सिरा सर्वांगसम बहुभुज हो, अर्थात पार्श्व फलक समांतर चतुर्भुज के आकार के हों। तो इसमें हम ये कह सकते हैं ऊपरी सिरा ये होगा हमारा, और अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये क्या है? इसके ऊपर दूसरी ओर एक पिरामिड बहुफलक होता है जिसका आधार कितनी भी भुजाओं का एक बहुभुज होता है। इसके पार्श्व फलक पर एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं। तो ये हमने सीखा यहाँ पर। एक हमने क्या सीखा था? समबहुफलक क्या होता है? समबहुफलक हमारा वो होता है कि यह एक समबहुफलक है। अब इसमें देखो इसके सभी फलक सर्वांगसम समबहुभुज हैं। सर्वांगसम समबहुभुज का मतलब क्या है यहाँ पे? सम माने क्या होता है? सम माने होता है समान, और बहु माने बहुत सारी। तो जिसमें समान बहुत सारी भुजाएं होती हैं उसे हम कहते हैं समबहुभुज, और सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंसी उसमें होती है। तो फलकों की समान संख्याओं से शीर्ष बनते हैं, और इसमें क्या होता है? इसमें अलग अलग संख्याओं से यहाँ पर हमारे शीर्ष बनते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा? हमने सीखा प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म हमारा किस तरीके का होता है। एक हमने सीखा पिरामिड के बारे में, फिर हमने क्या सीखा पिरामिड में कि अगर एक आयताकार, क्या देखा था हमने, क्या एक आयताकार पिरामिड जो हमारा होगा, आयताकार पिरामिड जो हमारा होगा तो उसका जो बेस होगा, बेस यानी कि आधार, वो भी हमारा क्या होगा? वो भी हमारा आयत होगा। और एक वर्गाकार पिरामिड अगर हमारा होगा, तो उसका बेस जो होगा हमारा वो क्या होगा? उसका बेस हमारा होगा वर्ग। और अगर एक त्रिभुजाकार पिरामिड हमारा होगा, त्रिभुजाकार पिरामिड अगर हमारा होगा तो उसका जो बेस होगा हमारा, उसका बेस हमारा क्या होगा? उसका बेस होगा हमारा त्रिभुज। क्या होगा? त्रिभुज। तो इस तरीके से हमने बहुत कुछ चीजें यहाँ पे सीखी, प्रिज्म और पिरामिड के बारे में सीखा और चीजें हमने सीखी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।